गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। तो भाइयों मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो विंटर वेकेशन की छुट्टियां दी जा रही हैं 15 और 20 तारीख तक, मैं तो कहता हूँ एक महीने की छुट्टी दे दें, पर ये जो हैकर है ना इन लोग को मत दीजिए। अगर ये लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो इन लोग को एक्स्ट्रा क्लास करवाइए, अगर ये लोग ऑफिस में हैं तो इन लोग को और रात तक नाइट ड्यूटी लगवा दीजिए। काहे से जो आपने ये छुट्टी दे दी है ये सब आराम से हैक लगा के रजाई उजाई ओढ़ के हम लोग को एकदम डंडा ही कर दी है। अब भाई विलेज में उतरी थी एक स्क्वाड, हम कह रुक जाओ इन लोग को स्ट्रेटेजी लगा के मारेंगे। अब स्ट्रेटेजी लगाने हम जैसे ही पहुंचे तो देख लो भाई साहब प्रकट हो गया। अरे हल्ला मत मचाइए भैया, बंदे पूरे देख लिए तो मार डालेंगे हमको। तब तक भाई साहब पहुंच गए बंदे, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी का भजिया पाला ही कर दिया इन्होंने। केडी बढ़वाने आए थे क्या भाई? नहीं केडी दिया मोबाइल नंबर को परसा, तो ये चड्डी को देख लो, चलो भैया ऊपर। अबे अब भाई हम गोली चला रहे हैं, इनकी टीम के एक बंदे को खा भी गए, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, खाली लूटी ले फिराक में है। चलो चड्डी ऊपर, अब वो देख लो गुबर 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 गुबर। कहा भैया गुबर गुबर कैसी रही? हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा मुझसे दगा करता है। कहाँ हो दगा बाजो? घुगुआ मामा करते हुए जा रहे थे, रास्ते ही में लपेटे में ले लिया। अब भाई आखिरी बंदा बचा था, जब भाई साहब समझ गया कि सफेद सफेद धुआं निकल रहा है तुरंत घर के अंदर भाग गया। अरे क्या हुआ भाई तुम नहीं लूटोगे क्या? तुम भी लूट लो, लगता है भाई साहब का दिमाग का ट्यूबलाइट ऑन हो चुका है, आ रहे अभी फ्यूज कर देंगे। भाई ये चूहा तो एकदम दुबक के अंदर ही घर के घुस गया, बाहर आ ही नहीं रहा था। अबे चूहे देख बाहर आ जा, मैं तुम्हारे लिए चूहिया लाया हूँ बहुत ही सुंदर सी। अबे चूहे बाहर निकल वरना बम फेंक दूंगा, मेरे पास बम है। हा? भाई ये तो बाहर आ ही नहीं रहा था, हम कह रुक जाओ लगता है हमको ही अंदर जाना पड़ेगा। मतलब खूबसूरत चूहिया का लालच दिया तब भी भाई सब नहीं बाहर आ रहे हैं, अंदर के रूम में हीटर वीटर लगा के बैठे थे क्या भाई? भाई साहब ये तो पूरा बाजार लेके रखा था अपने बैग में, इतनी चमचमौवा लूट कहाँ से मिल गए भाई? चोर बाजार से डायरेक्ट शॉपिंग करके आ रहे हो क्या? अब भाई रास्ता एकदम साफ था, हम कहे निकल चला जाए, तब तक पीछे से भना भन गोलियां चलने लग गई हमारे ऊपर। अब भाई आप लोग तो जानते ही हैं जमाना कितना खराब हो चुका है, एक बंदा मुंडी दिखाता है तब तक पीछे से तीन तीन निकल आते हैं। अब भाई पीछे से ये लोग हमको बुला रहे थे भट्ट भट्ट करके, हम कहे चलो चलते ही हैं, तब तक देख रहे मेरी पूरी स्क्वाड आ रही है, हम कहे आ जाओ भैया आ जाओ भाई मेरे साथ आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ। और भाई इस मैच में हमारे साथ खेल रहे थे एक थे विशाल, एक थे माफिया और एक थे श्रीवस। भाई यही तो बंदे हमको बॉट फायर करके बुला रहे थे, कहाँ चले गए? है किसी भाई का लाल मतम? तो आओ सालो उंगली उठा के दिखाओ, हमारे साथ हमारी फौज है। कहो छोटू जी क्या हाल है? वो तो बोलो हमने तुमको इतनी पास से आके मारा है, वरना गेम में घूम रही है क्वीन, वो गोली चलाती है आजमगढ़ से और मरता है आदमी लखनऊ में। भाई पूरा लूट लाट के हमने कहा चलो चला जाए टीममेट लोग के पास, तब तक देख रहे दो लप्पू झप्पू बग्गी पे लटके लटके इधर ही चले आ रहे थे। मामा पिंडारी, मामा पिंडारी। कहाँ टहल रहे हो भाई? देख उधर रहे हो गाड़ी ले आके ठोक दिए, कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? तो ये तो अपने दोस्त को छोड़ के भाग ही गए। जी 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 जब आदमी की फटती है तो वो सीधा घर को भागता है, ये भाई साहब तो बाउंड्री लाइन के पीछे ही भाग गए, अब हम इतना दूर पैदल पैदल दौड़ के मारने के लिए, मर ही गए तब तक। सारा मूड खराब कर दिया। तो भाई इसी बात पे एक तड़कती भड़कती शायरी हो जाए कि छोड़ गई वो ये कहकर कि मुझे कोई और मिल गया है, कि छोड़ गई वो ये कहकर कि मुझे कोई और मिल गया है, अब उसे कैसे बताऊं कि वो दूसरी आईडी भी मेरी ही है। अरे 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 भैया ये हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी पे सब काहे गोली मार रहे हैं? अब भाई आखिरी बंदा मिल नहीं रहा था और हमारे टीममेट लोगों को चूना काटने लग गया, अब सामने उनके चाहे पत्थर हो चाहे कोई गाड़ी जा रही थी वो सबको एनिमी ही समझ रहे थे, पूरा हल्ला मचा दिए गोली चला चला के। हम कह लो हम भी हल्ला मचाते हैं, गाड़ी फोड़ देंगे, पेट्रोल वैसे भी खत्म हो गया।
अबे ये तो रियल बंदा है। अरे मर जा भैया, यमराज जी छुट्टी पे चले गए क्या? लेके जाइए भैया इसको। तो भाई एक भैया कह रहे कार्टून, ये वीडियो तुम कट क्यों कर देते हो? पूरा मैच जितने मिनट का होता है वो पूरा दिखाया करो। अरे भाई जो मैच के मेन पॉइंट्स होंगे वही ना दिखाएंगे, वरना और क्या दिखाएंगे? कि इसमें घर है, ये घर कभी पेंट हुए ही नहीं है 5 साल से, ईस्ट पोर्ट से एक पोखरा जा रहा है उसमें एक भी मछली नहीं है, यही सब दिखाएंगे। अब भाई यहाँ पे हमारे साथ दो दो स्क्वाड उतरी थी और भाई साहब एक आदमी वहाँ से पीछा छुड़ा के यहाँ भाग के आए थे। कहा भैया कहा ऊपर चलो। आयरन मैन, परसों सुपरमैन मिला था, आज आयरन मैन मिल गया। कैप्टन अमेरिका किधर है? वो देश को बचाने गए हैं क्या कहीं पे? तब तक भाई एक भाई साहब दिखते हैं, चिल्लाते हुए आ रहे थे, आयरन मैन मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, आयरन मैन तुम कहाँ हो? अरे भैया प्रीबोर्ड सर पे आ चुका है, पहले तुम अपना प्रीबोर्ड बचा लो, बाद में आयरन मैन को बचाना। बड़े आई आयरन मैन में आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हट। और कोई है भैया? जयकाल फैकाल ब्लैक मांबा थॉर और, तो आ जा भाई साहब, लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अब भाई आयरन मैन की दुल्हनिया चिलनिया सब वो 3 तल्ले मकान में लड़ाई कर रहे थे, हम कह चल के चलो जा आक्रमण कर दे। बाहर आ जा थॉर, तेरा खेल खत्म, चारों तरफ से मैंने तुम्हें घेर लिया। अब भाई ऊपर से दौड़ के इनके दोस्त आए, फिर हमको देखे पता नहीं क्या हुआ वापस चले गए। अरे क्या हो गया भाई, वापस क्यों चले गए? ये तो यहीं बैठे थे भाई साहब, हम सोचे कोई भाभी उबी जी का फोन आ गया होगा, मोबाइल लेके गए होंगे दौड़ के ऊपर छत पे बतियाने कि कहीं नीचे वाले कमरे तक आवाज ना पहुंच जाए। अब भाई यहाँ पे सबको नंगा उंगा करके हम निकल गए अपने टीममेट लोग के पास। और भाई इस मैच में हमारे साथ खेल रहे थे किलर और एसके और ये रामेश्वर माला। और भाई ये जो माला और एसके जी इतने थकेले थे भाई, इतने थकेले कि 10 मिनट तो इन लोग को बैठाने में ही लग गया। ये कौन कार 98 चला रहा है भाई? अरे बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मा पिटकियाओ जिगर मा बड़ी आग है, डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग पिटकी। सानवर माल मेघ नाम है 3 और आदमी है 1। अब भाई हम लोग तो निकल ही रहे थे तब तक घास में से किसी की घसर घुसुर की आवाज आती है, ये कौन है? दिख रहा है कि 4-4 बंदे गाड़ी में बैठे हैं फिर भी भाई साहब खड़े हो गए। नहीं मैं मानता हूँ कि लड़का बहुत हिम्मती है साहसी है, लेकिन दिमाग से लग रहा है थोड़ा पैदल है। अरे बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, थाम्बा थाम्बा थाम्बा, अब कहाँ भाग के जा रहे हो भाई? गयो, अब तुम डायरेक्ट ऊपर टपक गयो। भाई एक भैया कह रहे कार्टून, मैं तो पहले ही से टकला हूँ, मेरे सारे बाल झड़ चुके हैं, तो मेरा तो हैक करने से कुछ होगा नहीं। भाई तुम्हारी दाढ़ी मूछ तो होगी ना, तो वो झड़ जाएगी, तुम चिंता काहे कर रहे हो, लगाओ हैक लगाओ, फिर लोग तुम्हें कहेंगे ओए चिकने कहाँ जा रहा है। डिरी डिरी रे ए हुर्र, ये कौन है भाई गोली चला रहा है? पिटकी। किल ही चुरा लिया भाई साहब, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब भाई पिछले मैच में तो हमारे टीममेट हमको ही सुना के चले गए थे, अब पिछले मैच की बेइज्जती का बदला मैं इस मैच में लूंगा, दौड़ा दौड़ा के सबको मारूंगा। भम भम भम, कहो चतुर्भुज का हाल है, कहाँ है सारे क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल कहाँ है, बुलाओ उन लोग को जरा। ये कौन है भैया? अब भाई जरा हमारी लूट देखो, 40 AKM की गोलियां और 8 गुम्मे की गोलियां थी, और इनका बैग देख लो, इतनी सारी लूट इन लोग को इतनी जल्दी मिल कैसे जाती है बे? ये सब क्या घर से पैक वैक करा के लाते हैं क्या? नानी चाचा देख रहे हो भाई, दोनों लोग बाउंड्री लाइन के पीछे कैसे बैठे हुए थे, लोटा भी नहीं लिए थे, टिश्यू पेपर से आजकल काम चला रहे हो क्या भैया? ये कौन दौड़ा जा रहा है भाई पद यात्रा करते हुए? रुक जाओ भाई साहब को आगे से घेरते हैं। अब भाई दोबारा गाड़ी मोड़ के आए तो भाई साहब देख रहे बंदा गायब, भाई साहब छुप गए थे कंटेनर के अंदर। अब ये बताओ एक ये चूहा है जो कंटेनर के अंदर छुप गया, और एक हमारे घर के चूहे हैं,
भाई साहब इतना उत्पात मचाते हैं क्या बताएं। पूरा किचन में सिंक में थाली उली पटकना चालू कर देते हैं, डिब्बा डुब्बी गिरा देते हैं, और मान लो भगवाने में थोड़ी सी चाय बच जाती है ना, तो वो तो पी पी के सब एकदम मोटा के गधा हो गए। भाई एक बंदा छत पे पता नहीं क्या कर रहा था, धूप तो निकल नहीं रही है, छत पे शायद रोटी उटी सेक रहे होंगे। अरे भाई साहब, अबे पीछे देख। कहाँ मुनचुन? ये हमने चुनमुन नाम सुना था, पर ये मुनचुन का है। अब बेचारी मुनचुन जी खूब चिल्ला रही थी, Somebody help, please, somebody help, he will kill me। लेकिन ये थी एकदम खुले में। अब कोई गधा, पागल, उल्लू का पट्टा होगा जो खुले में जाएगा इनको बचाने। अब भाई ये लोग जोन में आ ही नहीं रहे थे, चुनमुन का बॉयफ्रेंड भी यहीं पे था, वो दोनों लप्पू झप्पू बाउंड्री लाइन के पीछे छुपे थे, वो भी यहीं पे थे। हो सकता है हमको देख के शर्मा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा हम घूमी घूमी करके वापस आए, तब तक एक भाई साहब दिख गए। आ जाओ मेरे हीरो हीरा लाल, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आओ तुमको जोन में ले चलते हैं। तो नहीं, भाई साहब वहाँ गाड़ी के पास रुक के पेटी लूटने लगे, तब तक चुनमुन के बॉयफ्रेंड ने उड़ा दिया। भाई आप लोग ने कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, ये लोग गेहूं हैं और हम घुन हैं। ये लोग जोन में जा नहीं रहे हो, इन लोग के चक्कर में हम घुन की तरह पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। बहुत देर से भाई साहब हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। कहाँ हीरो हीरा लाल? पूरा गेम को एकदम पकड़म पकड़ाई बना दिए हैं भाई साहब बापू जी। तो भाई इसी बात पे एक शायरी हो जाए कि ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम तो सुबह उठकर नहा लेते, आप तो मुंह भी नहीं धोते। भाई हमारी टीम के हेलिक्स गोरा जी को मार के एक बंदा उनको बोरे में भर के पोखरे में फेंकने जा रहा था, तब तक भाई साहब हमको दिख गए। आ रहा हूँ मैं, बग्गी निकालो। अब इन भाई साहब को ये तो पता था कि बग्गी आ रही है, पर कहाँ से आ रही है ये नहीं पता था। का भैया आसमान जी का सोच रहे हो? भाई साहब सोचते सोचते ही ऊपर टपक गए, और भाई आखिरी में केडी बढ़वा के मुर्गा कर लेते हैं। तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, मिलते हैं कल संडे 12 बजे। बाय बाय।